आप वोट क्यों नहीं देने के, क्या आपकी फारूक सत्तार साहब से नाराजगी बरकरार है या कोई और उसूली मौके पर आपने इख्तियार किया? देखिए, सबसे पहले तो जियो पे ही खबर चली कि छह जो है अराकीन ने अपना सौदा कर लिया। बड़ी उस वो खबर सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं अपनी माजिर कौम का सौदा कभी नहीं कर सकती हूँ। अब मैं अपनी माजिर कौम को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि मैंने किसी किस्म की कोई कीमत लेके वोट कास्ट नहीं किया है। फारूक सत्तार भाई जिन्होंने कामरान टिशोरी का इशू करके हमको 25 दिन से एक टेंशन के माहौल में रखा हुआ था, 25 दिन हम पे जो गुजरे हैं वो एंड हुआ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो नाम वही आया, कामरान टिशोरी। और फिर उसके बाद चाहे बहादुराबाद हो चाहे PIB हो, वहां से जब बोले आ रही है तो वहां से बोला जा रहा है आप उनसे रब्ता करो, वहां से बोला जा रहा है आप उनसे रब्ता करो। तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि अभी भी ग्रुप की सूरत इख्तियार की हुई है। तो मैंने जो है हफ्ते पहले ही ये बात कही थी कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ और मैं न्यूट्रल हूँ, और मैं उस ऊंट की सवारी कभी नहीं करूँगी जिसका बोझ अवाम के ऊपर होगा, क्योंकि मैं अपनी अवाम से जो है एक यकजहती और मोहब्बत रखती हूँ। तो मैंने जो है अपना वोट अपनी मर्जी से मैं गई थी वोट कास्ट करने, और गुस्से में सिर्फ फारूक भाई के ऊपर गुस्से में जो इन्होंने कामरान टिशोरी के साथ मिलकर पूरी तहरीक को दाव पे लगा दिया। 22 अगस्त को हम फारूक सत्तार भाई के पीछे इसलिए खड़े थे कि हम नहीं चाहते थे कि सिर्फ फारूक भाई के ऊपर गुस्से में जो इन्होंने कामरान टिशोरी के साथ मिलकर पूरी तहरीक को दाव पे लगा दिया 22 अगस्त को हम फारूक सत्तार भाई के पीछे इसलिए खड़े थे कि हम नहीं चाहते थे कि MQM का नाम खत्म हो, ये पतंग और झंडा बचा रहे। लेकिन 5 फरवरी को फारूक सत्तार भाई ने कामरान टिशोरी का नाम सिर्फ एक शख्स जिसको ये नहीं पता होगा कि शाजिया फारूक कौन है और शाजिया फारूक के साथ क्या वाकयात पेश आए हैं या वो कितना टाइम जेल में रही है और कितने टाइम तक उसके साथ क्या हुआ है, उसको फारूक भाई ने दर्जा दिया कारकुनों के आगे, असीरों के आगे, शहीदों के आगे, और उसको सेनेट का टिकट दिया। मेरा जिस MQM से ताल्लुक था, जिस MQM की मैं MPA बनी थी, हमारे बानी अल्ताफ भाई के एक गलत नारे की वजह से वो MQM दाव पे लग गई। 5 तारीख को इस MQM के झंडे पे और पतंग पे जो लड़ाई शुरू हुई वो गीत की तरह नोचने लगे, उसको खत्म करने लगे। तो मुझे ये मैं उस MQM के साथ खड़ा होना पसंद ही नहीं किया मैंने, और मैं न्यूट्रल होकर अपने घर में बैठ गई, क्योंकि फारूक सत्तार भाई ने कामरान टिशोरी के आगे जो है किसी को भी दर्जा नहीं दिया। शहीदों के नाम की उन्होंने सियासत की। मैं जो अल्फाज बोल रही हूँ ना कि मेरा एक शहीद, मेरा शोर, मैं जो कैमरे के आगे मेरे जो अभी तासुरात है, जो अल्फाज है ना, वो इसलिए आज से नहीं है, मैं 5 तारीख से रो रही हूँ, मैं बिस्तरों पर तड़प रही हूँ कि मेरे शहीद पर क्या गुजर रही है, कि वो किस पार्टी से, किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। एक ग्रुप जाके उसकी कब्र पे फातिया पड़ रहा है, दूसरा ग्रुप जाके उसकी कब्र पे फातिया पड़ रहा है। अरे भाई, तुम ऐसा करो, कब्रें खोलो, उनके 2 टुकड़े करो, आधी बहादुराबाद में दफनाओ, आधी PIB में दफनाओ, और फिर उस पर तुम सियासत शुरू कर दो, फातिया शुरू कर दो। तुमको ये नहीं पता कि शहीदों के घरों में क्या गुजर रही है, शहीदों के लुहाई किन कैसे गुजर रहे हैं, ये 25 दिन में उनके घरों पर क्या गुजरी है, जेलों में पड़े हुए लड़कों के ऊपर क्या गुजरी है, कि क्या होगा, हम किस MQM के साथ खड़े, भाई हमारा क्या मुस्तकबिल है, हमें पूछने वाला कौन होगा? अगर आप अपनी जातियात और लड़ाई पर सारी बात निकाल दोगे तो कौन पूछेगा असीरों को, कौन पूछेगा शहीदों को? MQM छोड़कर किसी और पार्टी में ज्वाइनिंग देने के बारे में सोच रही हूँ? मैं सोच ही नहीं सकती हूँ भाई। ये मैं इन्हीं अल्फाज में बोलूंगी ना कि मुत्तेदा वो शजर है जिसको पानी से परवान नहीं चढ़ाया, साथियों ने लहू दिया है जब ये गुलशन बनाए, अब इस गुलशन को ये कांटों की तरह रौंद रहे, इन पे चल रहे, तो मैं नामुमकिन है कि कोई पार्टी ज्वाइन कर लूँ। अब मैं आपके उससे सिर्फ एक ही बात कहूँगी ना कि मेरे लिए पार्टी ज्वाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं था, मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं सियासी तौर पर इस पार्टी में नहीं आई थी, मैं खून देकर इस पार्टी में आई हूँ, मैं दौलत देकर इस पार्टी में नहीं आई थी, मैं असीरी काट कर इस पार्टी में आई हूँ, मैं कुर्बानी है मेरे घर की, तो मैंने ये पार्टी में कदम रखा है। तो मैं इस पार्टी में जब ये चीज़ हो रही थी ना, तो मैं टुकड़े टुकड़े हो गई कि मैं अब किस पार्टी में कदम रखूं, मैं कहाँ जाऊं, इससे अच्छा मैं अपने घर पर बैठ जाऊं। कि खुदारा आप माजिर कौम को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करो, आपने जो फैसला किया उस फैसले पे रहो, किसी एक शख्स की खातिर पूरी पार्टी को दाव पे मत लगाओ। कामरान टिशोरी इतनी अहमियत कब से रखता हो गया कि एंड उसी पर हुआ, कारकुन 25 दिन तक तड़पते रहे, रोते रहे, माए सिसकती रही कि क्या होगा, लेकिन सेनेट से एक दिन पहले वही हो रहा है कि कामरान टिशोरी